Well, hello, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के एक और एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? घड़ी में बज रहे हैं 8:30। पिछली बार जब हम मिले थे वहां से एग्जैक्टली 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 पांच घंटों के बाद वापस से मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आई एम द एडवांस बुकिंग हैज जस्ट ब्रोकन एवरीथिंग। सबसे पहले तो भैया मुबारकबाद, पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। क्यों गाइस, पठान का जो रिकॉर्ड था एडवांस बुकिंग का वो था 32+ करोड़ रुपीस। ऑल लैंग्वेजेस का एडवांस बुकिंग, ब्रेस योरसेल्फ्स, 8:30 बजे जवान ने 34.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है कर ली है, 34.75 करोड़। एंड अभी भी गाइस 9:30, 10:30, 11:30 3.5 घंटे और बचे हैं। उम्मीद है क्या भैया जवान 40 करोड़ 40 खोके की एडवांस बुकिंग कर देगा एंड लिटरली एक अनबीटेबल रिकॉर्ड जो है वो बनाकर चले जाएगा। अनबीटेबल मतलब ओनली शाहरुख खान विल बी एबल टू बीट दैट। जब अनबीटेबल शाहरुख खान के एपिसोड में बोलू ना तो समझ जाओ क्या बोलने वाला हूँ। एंड गाइस वॉपिंग, दीज आर क्रेजी नंबर्स मैम, 13,14,650 टिकट सोल्ड, हाईएस्ट 13,14,650 टिकटें बिकी है। दोपहर का एपिसोड जो था वहां पे 11,41,200 टिकट्स वर सोल्ड, तब से लेकर अब तक 1.70 लाख टिकटें बिकी है और भैया 4 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग हो गया। दीज आर क्रेजी साइंस। हिंदी 2D राइट नाउ 31.01 करोड़, 31.01 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 11,21,250 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, यानी 11,21,250 टिकटें बिकी है। एंड गाइस 255 रुपीज का एवरेज टिकट प्राइस है। तमिल 2D 1.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है। कल एक ऐसा कलेक्शन आएगा तमिल वर्जन से जो गाइस एक नई शुरुआत करेगा हमारे हिंदी फिल्मों के लिए तमिल में। एंड गाइस तमिल सिनेमा के बड़े बड़े कलाकार ने यहाँ पर एटली को मुबारकबाद दी है। अभी गाइस STR ने मुबारकबाद दी है, तेलुगु सिनेमा से राम पोथिनेनी ने मुबारकबाद दी है, महेश बाबू ने मुबारकबाद दी है। तो साउथ वाले सभी के सभी लोग जो है यहाँ पर एटली को सपोर्ट कर रहे हैं। एटली ने भी इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि तलपति विजय का जो कैमियो है वो इस फिल्म में नहीं होने वाला है, एटली का कैमियो इस फिल्म में है। तो भैया देखने लायक रहेगा। पहले सुभाष घई जी जो थे वो अपनी फिल्मों में कैमियो करा करते थे, तो एटली आई थिंक जिंदा बंदा गाने में उसने डांस किया है, तो आई थिंक वही वाले सीन में होगा। तमिल में 1,11,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 130 का ATP है। IMAX राइजिंग अप टू द ओकेजन, 4DX का भी डेटा लाया हूँ। 4DX भी 550 रुपए की टिकट जो है, मुंबई में 6 बजे का शो है। तो भैया जिनका पेट मजबूत है और खा के मत जाना भैया, वरना पूरा एक्शन सीन में पूरा वो हो जाएगा भाई, लेकिन एक्सपीरियंस है। गो एंड विटनेस वंस इन 4DX, मजा आएगा। हिंदी IMAX 1.15 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है, 16,700 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 703 रुपीज का ATP है। तेलुगु 2D 85.6 लाख रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है एंड 65,626 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 126 का ATP है। सो गाइस दीज आर क्रेजी नंबर्स। एंड PVR आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस 4.75 लाख टिकटें बेच चुका है, एंड जब तक एपिसोड शायद आप तक पहुंचेगा तब तक बढ़ के 4.80 या 4.85 लाख टिकट जो है वो ये बेच चुका होगा। KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड जो है PVR आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में वो है 5.10 लाख टिकट्स का, जो आई थिंक रात के 12 बजे तक ये डेफिनेटली तोड़ लेगा। पठान का रिकॉर्ड है PVR आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में 5.56 लाख का, वो ये नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन भैया हमको चाहिए भी नहीं भाई, अरे एडवांस बुकिंग तोड़ दिया भाई और क्या मांगता है भाई। चलो PVR आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस रख लो तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, डंकी तोड़ेगी आके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल टोटल एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर जवान ने पठान की तोड़ दी है। अब भैया उनको मिलना चाहते हैं भैया, और कितने शोज चाहिए भाई, हाँ जितना शोज चाहिए, कितना शोज मांगता है उतने शोज लाया हूँ मैं, पागल हो जाओगे शो काउंट सुन के। अब तो फुल पार्टी ना, अब तो मजा आएगी ना। ध्यान से सुनो, दिल्ली NCR दोपहर में 1,258 शोज थे, कितना चाहिए भाई, 100 दे दें, 200 ले लीजिए, ले लीजिए भाई ले लीजिए, 1,436। उम्मीद है कि 1,500 शोज लेकर, यस फ्रेंड्स 1,500 शोज लेकर ये मैदान में उतरेगी।
जिसमें से 335 हाउसफुल है एंड 334 फास्ट फिलिंग है। दीज आर क्रेजी सीन्स, नेवर एवर सीन बिफोर। क्यों नेवर एवर सीन बिफोर? क्योंकि कल हमारे हिंदी फिल्म इतिहास में ये हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बनने वाली है। इससे पहले किसी भी फिल्म ने 60 करोड़ के ऊपर का पहला दिन जो है वो नहीं दिया है, ये देगी। अब 63-64 कितना ऊपर जाएगी ये भैया कल इसी समय रात को हम आपको बताएंगे। हाँ, 32% की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है। मुंबई 1,270 शोज लेकर मैदान में उतर रहा है। 236 हाउसफुल शोज है, 243 फास्ट फिलिंग है। पुणे 452 शोज में 60 हाउसफुल है। नंबर बेंगलुरु 687, टैगरिंग शो काउंट। बड़ी बड़ी साउथ की फिल्मों को इतने बड़े बड़े शोज मिलते हैं, हिंदी वर्जन गेटिंग 687 इज अ ह्यूज डील। 190 हाउसफुल करना उसमें, दैट इज अ ह्यूज डील। शोज मिलते हैं इतने फुल नहीं होते, जवान फुल कर रहा है। 125 फास्ट फिलिंग, 30% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट हैदराबाद, कंप्लीट ऑरेंज, रंग दे तू मोहे गेरुआ, पूरा का पूरा ऑरेंज हो चुका है। 529 शोज यहाँ पर, 265 हाउसफुल, 47% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट कोलकाता, 486 शोज में वी हैव अ क्रेजी 300 हाउसफुल शो, ऑलमोस्ट 57-58% की ऑक्यूपेंसी। इज अ क्रेजी साइंस। बट अहमदाबाद दिस इज डूइंग द ट्रिक, 673 शोज है, 85 ऑलमोस्ट हाउसफुल है, 25% ऑक्यूपेंसी है। सूरत 381 शोज, 18%। चेन्नई 126 शोज में 91 हाउसफुल है। क्रेजी सिनारियोज अब सुनो, भुवनेश्वर 91 शोज, 41 हाउसफुल। अरे सुबह 5 बजे, 5:30, 6, 6:30, 7, इतने बजे के शोज होने वाले हैं यहाँ पर जवान के लिए। शाहरुख खान इज राइटिंग हिस्ट्री एंड आई थिंक डंकी में 1 बजे के सुबह के शोज होंगे, इतना तो मुझे लगता है, क्योंकि ये फिल्म तो क्या तोड़ेगी कुछ समझ में आ नहीं रहा है अभी। बात करूं गुवाहाटी, 112 शोज, 112 शोज, 74 हाउसफुल, 58% ऑक्यूपेंसी। लुक एट पटना, टिकट नहीं मिलेगा भाई, सीधा मंडे आइए। 69 में 50 हाउसफुल, 61% ऑक्यूपेंसी। 4DX जॉइन इन द पार्टी, दिल्ली एनसीआर 17 शोज है, 13%, मुंबई 10 शोज, 12%, पुणे 7 शोज, 6%। खाली है अभी, एक बार वर्ड ऑफ माउथ आया ना, ये सब फुल हो जाएगा। बात मानो मेरी, कल बुक करो 4DX में, देख करो जाके, वर्थ द मनी। बात करो तमिल की, 234 शोज में 100 फुल, मैसिव। चेन्नई की बात कर रहा हूँ, बात करो मदुराई की, 56 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी। कोयम्बतूर 82 शोज में 38 फुल है। एंड त्रिची 22 शोज है गाइज, यहाँ पे 8 फुल हो गया है। जवान इज ऑल सेट मेरा भाई, हिंदी में ऑलमोस्ट 62-63 करोड़ का नेट मारेगा ये पिक्चर, इसका ग्रॉस 74 होगा। साउथ वर्जन अब शायद 12 करोड़ के ऊपर चले जाए ये फिल्म के, एंड ओवरसीज तो भैया हमको बताना ही भूल गए भाई, मैं पाक गजनी बन के बैठ गया भाई। दीज आर क्रेजी, 10,000 स्क्रीन्स मिले हैं फिल्म को वर्ल्ड वाइड, एंड ओवरसीज 4,000 स्क्रीन्स मिले हैं। सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग जो है ओवरसीज में 16.65 करोड़ की हुई है, एंड उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन ओवरसीज ये फिल्म 45 करोड़ की यहाँ पर ओपनिंग जो है वो लेने वाली है। दीज आर क्रेजी नंबर्स। इतना ही नहीं गाइज, और डेटा है जो भैया हम आप सबके लिए बचा कर रखे हैं भाई रात को एपिसोड में बताने के लिए। तो शुरुआत करते हैं गाइज हम लोग यहाँ पर आईमैक्स से। तो देश का 26th आईमैक्स जो है वो कल खुलने वाला है दिल्ली में पारस सिनेमा में, एंड सेकेंड स्टैंडर्ड आईमैक्स होगा दिल्ली में प्रिया आईमैक्स के बाद। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गाइज यहाँ पर। इतना ही नहीं, इसके जो 4DX शोज है 550 रुपीज की टिकट है, एंड साउथ में इट हैज गॉट अ क्रेजी शो काउंट। यस फ्रेंड्स, साउथ में एक बहुत ही क्रेजी शो काउंट मिला है इस फिल्म को। एंड अभी यशराज फिल्म्स में यहाँ पर जवान की स्क्रीनिंग में शाहरुख खान अभी अभी एंट्री लिए है गाइस, ऑब्वियसली 7 बजे एंट्री लिए है। गोकुलम मूवीज ने और ज्यादा शोज जो है जवान के लिए ऐड किए गए हैं, एंड गाइस प्री सेल्स जो है स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु में जहां पर 1001 स्क्रीन पर यह फिल्म लगने वाली है, तमिलनाडु में 653 स्क्रीन है, 450 जगहों पर लगी है। केरला 348 स्क्रीन है, 267 जगहों पर रखी है। द बिगेस्ट बॉलीवुड रिलीज, दिस फिल्म इज द बिगेस्ट
बॉलीवुड रिलीज इन दिस टू स्टेट्स रेड जायंट मूवीज एंड ड्रीम बिग फिल्म्स हैव डन अ मैसिव जॉब ओवर हियर, जो कि काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल था। अब गाइस एटली ने कहा है कि विजय का कैमियो नहीं है इस फिल्म में, एटली का खुद का कैमियो है और चाहते हैं कि तलपति विजय एंड शाहरुख खान को एक फिल्म में कास्ट करे। राम पोथिनेनी ने मुबारकबाद दी है। सिलंबरासन टीआर यानी कि सिंबू जो एसटीआर है उसने यहां पर फिल्म के लिए मुबारकबाद दी है। एंड गाइस एटली इज फुल कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म उन्होंने काफी अच्छी बनाई है। भैया एडवांस लुकिंग में दिख रहा है भाई क्या बनाया शाहरुख खान और एटली कुमार, लेजेंड्स, हिस्ट्री इज बीइंग रिटन। मैं इमेजिन कर रहा हूँ पहला दिन का पोस्टर क्या होगा, 135-136 करोड़ रुपीज, इतिहास, बॉलीवुड इज बैक, शाहरुख खान इज ब्रॉट इट बैक मैन, मैसिव आफ्टर पठान नाउ जवान। देखते हैं भैया रात तक क्या होता है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।